मुरादाबाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा आज एक प्रोग्राम थाना भोजपुर क्षेत्र के देवीपुर में रखा गया, जिसमें मोहम्मद यामीन पुत्र मकबूल हुसैन को प्रभारी बलराज प्रजापति द्वारा जिला उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नाजिर पाशा व संचालन प्रदेश महासचिव साकिर अली अंसारी ने किया। नाजिर पाशा जिला अध्यक्ष ने बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुत तेजी के साथ उभर रही है, जिसमें युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और बहुत जल्द हमारी पार्टी का एक बड़ा अस्तित्व समाज के सामने आएगा। वहीं साकिर अली प्रदेश महासचिव ने बताया कि हमारी पार्टी में युवाओं सहित महिलाओं की भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ नाजिर पाशा जिला अध्यक्ष व साकिर अली प्रदेश महासचिव ने नए जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद यामीन को शुभकामनाएं दी और पार्टी से जुड़कर समाज व क्षेत्र के लोगों के मदद करने का भी आश्वासन दिलाया। इस मौके पर तमाम क्षेत्रवासी युवाओं की भीड़ मौजूद रही तथा सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसमें बलराज प्रजापति पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी, साकिर अली महाप्रदेश महासचिव, नाजिर पाशा जिलाध्यक्ष, राम भरोसे कश्यप, फुरकान अली, रियासत अली, किशन लाल आदि लोग मौजूद रहे। भोजपुर में एक प्रोग्राम रखा गया, क्या क्या प्रोग्राम है पूरा सर? ये प्रोग्राम साहब एक पार्टी की तरफ से रखा गया था। ये मोहम्मद यमीन भाई देवीपुरा भोजपुर थाने में पढ़ते हैं, जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है और इसी तरीके से पार्टी का जनाधार हम लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने विधायक और लोकसभा में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकसभा एमपी बना के। सर, जैसे आपको पता है कि प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी उन पार्टियों को टक्कर दे पाएगी? प्रदेश में पहले बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसी तरीके से हमारी पार्टी छोटी ज़रूर है लेकिन बड़े काम कर रही है और इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री भी बनेंगे हमारे राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री साहब,